Everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, and I'm Suman ma'am. Welcome to all. So class, today we read chapter number 2, nutrition in animals. Yani nutrition jo animals mein hota hai, aaj hum inhi sab ke bare mein discuss karenge ki kaise plants jo humne first video mein padha tha ki hamare jo plants hote hain, they make their own food, hai na, wo apna khana khud se banate hain, jabki animals aur jo human beings hote hain wo depend karte hain. Theek hai, अगर हम बात करें कि जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में, ठीक उसी तरीके से न्यूट्रिशन एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स को भी ज़रूरत पड़ती है. तो एनिमल्स जो न्यूट्रिशन होता है वो रिक्वायरमेंट करता है, यूटिलाइज करती है उनकी बॉडी, ठीक उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स की भी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है, और वो बॉडी यूटिलाइज करती है. तो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड होता है, यानी हर एक इंसान और जानवर का खाना लेने का तरीका अलग अलग होता है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड द फूड इन टू द बॉडी द टेकिंग फूड, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से खाने को इनटेक करते हैं. जैसे अगर हम बात करें हमिंग बर्ड की, तो वो सक करती है नेक्टर को, लेकिन साथ ही ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे छोटे बेबीज होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो मदर मिल्क पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करता है. अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हमने तो सिर्फ खाना खाते हैं, हमें तो वही दिखता है ना, मामा बोलते हैं कि खाना च्युइंग करो, अच्छे से खाना चबाओ, च्यू करो. क्यों? क्योंकि वो एक बहुत पेस्ट जैसा बन जाता है. जब आप बाइट लेते हैं किसी चीज़ का तो बहुत बड़े फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स होता है बड़ा, लेकिन जैसे ही आपने इसको च्यूइंग करना शुरू करते हैं, उसको च्यू करते हैं, तो वो क्या करता है, वो स्मॉलर टुकड़ों में, स्मॉल सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, और देन वो सलाइवा के साथ मिक्स करके एक पेस्ट फॉर्म में आ जाता है और हम उसे निगल लेते हैं थ्रू द फूड पाइप, ठीक है. अब अंदर जाके उसके साथ क्या क्या होता है ये तो हमें नहीं पता, बिकॉज उसके जो इंटरनल पार्ट हमारे जो बॉडी के होते हैं वो हमें विजिबल नहीं होते हैं. तो आज जो हमें अनविजिबल होते हैं उन्हीं के बारे में हम सब पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. अंदर जाके हमारी जो फैक्ट्री है, हमारी जो शरीर की फैक्ट्री है, वो किस तरीके से काम करती है, उसको खाना डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है, कितने स्टेजेस से वो होके निकलता है हमारा खाना, इन्हीं सब के बारे में हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो बिफोर वी रीड दिस टॉपिक, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो. सो टुडेज टॉपिक इज डाइजेशन इन ह्यूमन्स, यानी ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस तरीके का होता है. सो वी टेक फूड थ्रू द माउथ, हम अपना खाना जो है वो किसके थ्रू लेते हैं, माउथ से लेते हैं, एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, और हम उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं. सो अनसीन पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड. सो वी हैव एवर वंडर्ड दैट व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी, आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो अंदर बॉडी में जाके क्या करता है. So the food passes through a continuous channel and beings at the buccal cavity. Buccal cavity यानी जो कि हमने mouth से खाना लिया है, that is called the buccal cavity. ठीक है, आप buccal cavity कह दीजिए या आप mouth के द्वारा खाने को intake करना बोल दीजिए. ठीक है, अब जब हमने intake कर लिया तो द चैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, यानी हमारा जो खाना हमने बकल कैविटी के थ्रू ले लिया एंड एंडेड एट द एनस, यानी जो वेस्टेज होता है उसको हम थ्रू कर देते हैं, बाहर निकल जाता है थ्रू द एनस. अब ये जो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है वो किस तरीके से होता है, सो वी डिवाइडेड इनटू सिक्स पार्ट. ओके, अब फर्स्ट हमने कह दिया बकल कैविटी, लुक एट दिस फिगर नंबर 2.2, इसमें बकल कैविटी यानी हमने खाना अंदर इंटेक किया. अब जो फूड पाइप जो है इसको इसोफेगस भी बोलते हैं, जो कि फूड पाइप, थ्रू द पाइप हमने जो खाना खाया वो इस फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है. देन आफ्टर जो भी हमने खाया है वो स्टमक में जाके सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है. ठीक है, और फिर वो लुक एट दिस, वो खाना इस यहाँ से पैनक्रीज यहाँ से होता हुआ निकल के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा.
ठीक है. अब आप कहेंगे कि मैम स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत बड़ी दिख रही है. यस, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से लेंथ में लंबी होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सारे न्यूट्रिशन अपने पास स्टोर करके रख लेगा, हमारी बॉडी को यूटिलाइज कराने में हेल्प करेगा. देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन सारे न्यूट्रिशन को कंज्यूम अपने पास स्टोर कर लेगा, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम एंड देन आफ्टर द एनस वो पास आउट हो जाता है. तो इन्हीं सब के बारे में आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ग्रेजुअली डाइजेस्ट फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, यानी अलग अलग कंपार्टमेंट्स के थ्रू ये खाना ट्रैवल करता है. ये खाना अपना बहुत लंबा ट्रैवलिंग करके और फिर द इनर वॉल. अब अगर हम इनर वॉल की बात करें स्टमक में, तो दे आर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द चैनल एज अ स्लेवरी ग्लैंड्स. अब आप ये कहेंगे मैम स्लेवरी ग्लैंड्स क्या है? बेटा हमारे मुंह में क्या होता है, हमारे मुंह में एक लार बनती है, ठीक है, जो थूक होता है. तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो क्या करता है, वो खाने को मिक्स, यानी वो हमारे खाने के साथ मिक्स होती है. एंड द लीवर एंड द पैनक्रीज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस. और लीवर और पैनक्रीज अपने पास में जो सीक्रेट जूसेस होते हैं उनको निकालते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड इंटू सिमिलर वंस. यानी हमारा जो खाना है उसको छोटे 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 सिंपल वंस में डिवाइड कर देता है. सो द डाइजेस्टिव ट्रैक आर द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंटिन्यू टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. और इसी सब को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं. सो नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपेंड टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक. हमारा जो खाना हम खाते हैं उसके साथ क्या होता है, तो उसके साथ क्या होगा, उस बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो डिवाइड होता है. द फर्स्ट मैन वी टेक आवर फूड, माउथ इज अ प्लेस वेयर वी टेक इन द फूड, है ना, हम अपना खाना जो अपने माउथ से लेते हैं, ठीक है. सो द स्पेस इनसाइड द माउथ सराउंडेड बाय फोर वॉल्स, और उसके पास में चार वॉल्स होते हैं अलग 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 अलग, है ना, अपर प्लेट होती है, टंग होता है, लोअर प्लेट होती है, टिथ होते हैं, स्लाइवा होता है, बहुत कुछ होता है माउथ के अंदर. एंड इनसाइड द माउथ दे आर अ बकल कैविटी, ठीक है. अब बकल कैविटी वो भी इसी के अंदर है. तो अब हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं कि ये होता क्या है. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. हमने अपना खाना किसके थ्रू लिया, माउथ के लिए, माउथ में डाल लिया. एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन. यानी खाना जैसे ही हमने अपने मुंह में लिया दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन. यानी हमने खाना अंदर की तरफ ले लिया. वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इंटू स्मॉलर पीसेस. और जैसे ही हमारा खाना हमारे माउथ में जाता है हमने उसको च्यू करना शुरू कर देते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं और एक स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं. एंड आवर टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. और जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे गम्स से अलग अलग सॉकेट से जुड़े हुए होते हैं. आवर टीथ वेरियस इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. आपको पता है हमारे दांत जो होते हैं उनका अलग अलग फंक्शंस होते हैं, यानी काटने के अलग, ठीक है, चबाने के अलग, और साथ ही साथ में उस चबाए हुए खाने को बारीक बारीक पेस्ट बनाने के लिए अलग. चलिए हम इन सभी के बारे में पढ़ते हैं. तो जैसा कि हम एक्टिविटी 2.2 में पहले पढ़कर आ चुके हैं कि हमारा जो दांत होते हैं, है ना, अगर हम दांत की बात करें तो वी हैव लॉट्स ऑफ 32 टिथ, ठीक है, हमारे मुंह में होते हैं. तो अगर हम बात करें इन टिथ्स की, तो द फर्स्ट द टिथ इन ह्यूमन बींग्स आर प्रेजेंट इन द बोथ अपर एंड लोअर जॉज, ठीक है. यानी हमारे जो दांत हैं वो ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं. एंड आर अबैंडन्ड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स दे डेवलप इन टू सेट्स, यानी दो सेट्स में डिवाइड होते हैं. सो बिसाइड्स आर बॉर्न विदाउट टीथ. जबकि हमारे क्या होते हैं, हमारे जब हम पैदा होते हैं तब हमारे दांत होते ही नहीं हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.